जनपद संभल के विद्युत विभाग में संविदा कर्मियों के हो रहे शोषण के विरोध में आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संविदा कर्मियों के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन के नेतृत्व में आज जनपद संभल के चंदौसी अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने में शामिल दो महिला कर्मियों ने अपने शोषण की बात मीडिया से बताते हुए जेई पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान संविदा कर्मी सुरैया खान ने बताया कि जेई बीसी त्यागी ने मुझे गालियां दी, हम यहाँ पर काम करने के लिए नौकरी करते हैं, ना कि गालियां सुनने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगी। वह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संविदा कर्मियों के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा, जब तक इन सभी साथियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तो हमारा ये धरना खत्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान 3:30 बजे तक नहीं होता तो हम लोग यहाँ से भेजोई डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। सुरैया खान, क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी सैलरी नहीं मिली जुलाई से सैलरी नहीं मिली और मैंने कल जय साहब महोदय से कहा था। हाँ हाँ, जय साहब महोदय से कहा था कि सर मेरी सैलरी दिलवा दीजिए। बोले कहा कि सैलरी जाए यहाँ से निकल, मुझसे बदतमीजी करने लगे, मुझे गालियाँ बकी जय साहब महोदय जी ने। मैंने कहा कि सर मेरी हाजिरी लगवा दीजिए तो बोले निकल रही नहीं, निकल रही यहाँ से मैं घुचेड़ ले ऐसे करके मुझसे बोले। मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं। मैंने कल डीएम साहब मोदी जी से भी बात की थी, मैंने उनको एप्लीकेशन भी दी थी, पहले भी मैं लगा चुकी थी सर एप्लीकेशन, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो डीएम साहब ने बोले मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे बहुत कल मारने के लिए भी चढ़ गए, मारने के लिए चढ़ गए अंदर ऑफिस के अंदर, मुझे गालियाँ बकी सर बहुत गंदी। मैं कुछ भी कर लूँगी, अपना आपकी हत्या कर लूँगी सर। मैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ। ऐसे साहब ने मुझे लगवाया था, पापा के ही पद पर लगवाया था, ऑन ड्यूटी पापा मेरे, पिताजी ख़त्म हो गए। मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, मुझे कोई अन्याय नहीं मिला सर। मैं काफ़ी दुखी हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ भी अपना कर लूँगी सर, ऐसे गाली कोई सुनूँगी सर अधिकारी की? मैं साहब से बात कर रही हूँ, आप कह रहे कि नाथ में ड्यूटी करेगी तो तुझे सैलरी मिलेगी। सर मैं नहीं कर सकती ये काम। क्या समस्या है आप धरने में? सर मैं मालगोदाम रोड बिजली घर पे, वैसे तो मेरी पोस्ट लाइन मैंने की है लेकिन मालगोदाम रोड बिजली घर पे मैं कंप्लेंट ऑपरेटर का वर्क करती हूँ। पूरी चंदौसी की जनता से आप पूछ सकते हैं कि मैं कभी भी किसी की भी जो भी समस्या होती है वो मैं फ़ोन द्वारा लेती हूँ और लाइन मैनों को सूचना देती हूँ। इसके अलावा जे साहब के द्वारा जो पीडी वगैरह बनवानी होती है या डिसकनेक्शन का वर्क होता है वो सारा वर्क मैं ही करती हूँ, ठीक है। उसके बाद भी ये क्या कहते हैं, नई कंपनी आई है फरवरी में। नई कंपनी आने के बाद जबकि नियम है कॉर्पोरेशन का कि जो भी कर्मचारी हटाया जाएगा उसकी गलती होगी तो उसे पूर्व में सूचना दी जाएगी और एमडी द्वारा आदेश के ही अनुसार निकाला जाएगा। मेरे से पूरा फरवरी में वर्क, जबकि नई कंपनी फरवरी में आई थी, फरवरी में इन लोगों ने मुझसे वर्क भी लिया, 2 मार्च को उन्होंने सिम बंद कर दिया। तो मैंने जैसे आपको सूचना दी, मैंने सर जी जनता परेशान हो रही है, पब्लिक आ रही है मेरे पास शिकायत लेने के कि नंबर बन जा रहा है, तो मुझसे ये बताया गया कि बैलेंस ना होने की वजह से सिम बंद आए। मैं भी चुप लगा कि करते करते 10 तारीख हो गई। 10 तारीख के बाद मुझे जब मुझसे धीरे धीरे काम भी लेना बंद कर दिया जैसे महोदय ने, फिर जब मैंने सारे लेटर, मैंने एप्लीकेशन सारी अपने भाइयों के द्वारा डीएम एसडीओ साहब को, एससी साहब को, एक्शन साहब को भी मैंने अवगत करवाया कि सिम बंद चल रहा है, तो अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे हटाया गया है ना। चुपचाप वो एप्लीकेशन ले ली और रिसीव करके दे दी। फिर 15 तारीख को पता चला कि मुझे तो हटा दिया गया है। किसके द्वारा पता चला? जय साहब द्वारा। बोले आप श्री वरुण कुमार, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि आप ठेकेदार से बात कीजिए। ठेकेदार से बात कर रहे हो, वो ठेकेदार जेई या एसडीओ के पल्ले में डाल देते हैं, इनसे बात करते हैं तो वो उधर डाल देते हैं। अब तो गुमराह किया जा रहा है। हाँ, मुझे गुमराह किया जा रहा है। फिर जो ठेकेदार है उन्होंने फ़ोन भी मेरा नंबर रिजेक्ट पर लगा दिया। फिर मैंने आखिर में अपने भाइयों से बोला, सर जी मेरे 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, मेरे अपने मिलने वालों ने भी मुझे पैसा देना बंद कर दिया। जैसे मैं मेरे खाने के केवल जो राशन डीलर से राशन मिलता है उसमें आटे में नमक डाल डाल कर रोटियाँ खा रही हूँ। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, ये समय मेरे भुखमरी के कागार पर हूँ। अगर आज मेरे भाई साथ ना देते तो मैं 22 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठती हूँ। क्या करूँ मैं? कहाँ जो मैंने इतना जो काम करा उसकी सैलरी कौन देगा और किस कारण से निकाला जाएगा? मुझे बिना कारण क्यों निकाला जा रहा है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज जनपद जो संभल में
पावर कॉर्पोरेशन में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर के ये जनपद संभल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और ये धरना प्रदर्शन पूर्व नोटिस के तहत किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में यहाँ जो संविदा कर्मचारियों की खासकर जो समस्याएं हैं कि यहाँ कई कई महीने का संविदा कर्मचारियों का UPF संबंधित अनुबंधित कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है और कई कई महीने की जो इनका वेतन है उसका भुगतान भी नहीं किया गया है और ख़ास करके यहाँ संविदा कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है और कई कर्मचारियों को लंबे समय से हटा दिया गया है। मैं ये पावर कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र इन कर्मचारियों को काम पर वापस ले लें, अन्यथा की स्थिति में जो भी संविदा कर्मचारी हैं पूरे जनपद संभल में अपना कार्य छोड़ करके कार्य बहिष्कार पर बैठ जाएंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की होगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगा पावर कॉर्पोरेशन के लोगों के लिए, यहाँ प्रशासन के लोग हों, LIU के लोग हों, चाहे हमारे पुलिस विभाग के लोग हों, सीधे अधीक्षणमंता महोदय से बात कर लें, DM साहब को अवगत करा दें कि 3:30 बजे तक अगर वार्ता आज नहीं होती है तो यहाँ चंदौसी से लेकर के संभल जिलाधिकारी के आवास तक हम लोग चाहे आवास पर मिलें चाहे अपने कार्यालय पर मिलें हम लोग पैदल मार्च करेंगे और जब तक संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, संभल में जितने भी संविदा कर्मचारी जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे हम लोगों को रोड से लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पूरे प्रदेश में 75 जिलों में कार्यरत है और जहाँ जहाँ संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का बीड़ा उठाने का काम किया है वहाँ वहाँ संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हुआ है। और इस संभल में मैं कई लंबे समय से मुझे सूचनाएं मिल रही थी, मैं देर रात मुझको ये बताया गया था कि इस संभल में बहुत लंबे समय से संविदा कर्मचारियों की समस्याएं व्याप्त हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ के अधीक्षण अभियंता महोदय हट धर्मता दिखा रहे हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मेरा ये मानना है कि जब तक संविदा कर्मचारियों की समस्याएं समाधान नहीं होंगी तब तक संभल में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और 3:30 बजे के बाद आज यहाँ से सीधा बैजोई के लिए हम लोग संविदा कर्मचारी कूच करेंगे। अगर इससे पहले हम लोगों की वार्ता होती है तो ये जो मैं आपको कार्यक्रम जो बता रहा हूँ वो रुक भी सकता है, अगर वार्ता नहीं हुई तो हमारा कार्यक्रम तय है, उस तय कार्यक्रम के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो हमारे LIU के प्रशासन के लोग हैं वो रिप्रेजेंटेशन कर दें DM साहब महोदय के लिए, यही मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा। अच्छा, हमारे सवाल हो रहे हैं आपसे जी, यहाँ पर 2 महिलाएं बैठी हैं जी जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं। हाँ, मैं जैसे कि पहली महिला जिन्होंने आरोप लगाया है कि जैन उनको पति-पत्नी गालियां दी और उनको नौकरी से निकालने को कहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा इसमें कहना है कि जो हमारी जो बहनें यहाँ हैं इन लोगों की समस्याओं के बारे में, एक बहन जो है मंजू पाल जी उनके बारे में मुझे पहले से अवगत है और दूसरी बहन है वहाँ उनके बारे में मुझे अवगत कराया गया है। आज मैं दोनों बहनों के बारे में उन्हें पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि अपनी ओर से जब तक उनको पुनः विभाग में वापस नहीं करा देता तब तक ये संविदा कर्मचारी हमारे जिले के जिला पदाधिकारी और स्वयं मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मेरा ये दावा है कि अगर आज बात होती है तो इन लोगों की पुनः विभाग में वापसी होगी और जो संविदा कर्मचारियों की PF का पैसा रुका हुआ है, 6-6 महीने का वेतन रुका हुआ है, इसके लिए शीघ्र आज लेटर बनवा करके मैं संबंधित अनुबंध कंपनी को अवगत कराऊंगा और सभी लोगों की समस्या का समाधान होगा। बार को संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इसमें? उनकी कुछ समस्याएं हैं, वेतन संबंधित समस्याएं हैं, हमारे यहाँ चेंज हुई है, पर जो संविदा कार्ड था पुराना बदला है, नया फरमाया है, पुराने के साथ अभी कुछ 1-2 महीने के वेतन के भुगतान संबंधित उनकी समस्याएं चल रही हैं, इसलिए ये यहाँ पर एकत्र हुए। तो सर, इनकी समस्याओं का समाधान कब तक और कैसे होगा? सर, इनकी समस्याओं के लिए जो भी तरीका है वो अपनाया जा चुका है, पुराने वाले फर्म की संबंधित अच्छासी अभियंता से कह के FIR करा दी गई है और उसी नियम के हिसाब से इसका निस्तारण कराया जाएगा। उनके 2 महीने का वेतन भी उसका हमने रोक रखा है, पुराने संविदा कार्ड का पैसा